सो हे एवरीवन, मैं हूँ परमानंद और आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो लेकर के। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था रेप के ऊपर में और उसके स्टैट्स एक्सचेंज किए थे और देखा कि रेप हमारे देश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी कड़ी में आगे चलते हुए मैंने आपको कहा था कि बहुत ही इंप्रेसिव पर्सन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और एक बार फिर से वो स्टैट्स देख लेते हैं, उससे हमको फिर से इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा कि रेप सही में कितनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है हम सबके लिए। तो रेप इंडिया में वुमेन के अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स में से चौथा सबसे ज़्यादा होने वाला क्राइम है। और इंडिया में 2018 में NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 91 केसेस हुए हैं, और ये टोटल काउंट ज़्यादा 33,356 30,000 के ऊपर केसेस हुए पूरे साल में। 2019 में अगर बात करें तो थोड़ा सा सुधार आया, 91 की जगह हर दिन 88 केसेस पर डे हुए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात तो नहीं है, पर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं इस चीज़ को, ये थोड़ा एक पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 केसेस पर डे समय साल में काउंट होकर के 1,000 से ज़्यादा केसेस कम हुए हैं 2019 में। तो चलिए एक अच्छी बात ये हुई है। हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर केस होते हैं उसमें जो देखने को मिला है कि 94% केसेस जो है वो विक्टिम के, पीड़ित के किसी जान पहचान के व्यक्ति ने किए हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात ये है कि घर में ही सुरक्षित नहीं है। अगर हम कुछ नोटिसेबल इंसिडेंट्स की बात करें, कुछ वो केसेस जो बहुत विवादास्पद रहे या जिनकी वजह से देश में कुछ असर देखा गया, वो थे अजमेर रेप केस, दिल्ली रेप केस, मुंबई रेप केस, और हाल ही में हुआ हाथरस रेप केस बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद रहा है और होना भी चाहिए था, क्योंकि जब स्टैंड लेते हैं तो ये चीज़ बड़ी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ तक चीज़ें स्प्रेड होती हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर सुनीता कृष्ण के बारे में। तो ये प्रज्वला की सह संस्थापक हैं, को फाउंडर हैं, और प्रज्वला बता देना चाहता हूँ मैं कि हैदराबाद में स्थित एक तरह ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड में आज के टाइम में सबसे बड़ा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म 1972 में हुआ था बेंगलोर की एक पलक्कड़ मलयाली फैमिली में। इनके जो पेरेंट्स हैं वो राजू कृष्णन एंड नलिनी कृष्णन हैं। इनके जो फादर थे राजू कृष्णन, वो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे में थे। डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे का काम होता है जो मैप्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाकर के इंडिया के। तो इन्होंने बचपन में अपने फादर के साथ ही काफ़ी सारा इंडिया घूम लिया था, और बचपन से ही इनका सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। महज 8 साल की उम्र से इन्होंने जो मानसिक तौर पर विकलांग बच्चे थे उन्हें डांस सिखाना चालू किया। 12 साल की उम्र में इन्होंने जो जोगी बस्तियों के बच्चे थे, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे थे, उन्हें पढ़ाना चालू किया। और 2015 में जब वो नव साक्षरता अभियान चला रहे थे, उसी दौरान इनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है और उसी बस्ती के 8 व्यक्ति इनका गैंगरेप करते हैं। महज 15 साल की उम्र में इन्हें सामूहिक दुष्कर्म का सामना करना पड़ा, और इस हादसे में उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा भी गया। कुछ चोटें आई जिसकी वजह से आंशिक तौर पर वो एक कान से अब सुन नहीं सकती हैं। उनके एजुकेशन की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है वो बैंगलोर और भूटान के सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट की। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इन्वायरमेंटल साइंस में सेंट जोसेफ कॉलेज बैंगलोर से कंप्लीट किया। अपना MSW मेडिकल और साइकेट्री में किया है राजनिलय बैंगलोर से। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो हैदराबाद चली जाती हैं। हैदराबाद जाने के बाद उन्होंने PIN में एज अ कोऑर्डिनेटर काम शुरू किया, जो कि यूथ के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। उसी दौरान जो मूसी रिवर के किनारे झुग्गी बस्तियां थी उनके डिमोलिशन का भी काम आ गया, क्योंकि सरकार की सौंदर्यीकरण की एक योजना आई जो उस नदी के किनारे होने वाली थी। तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे विरोध अभियान चलाए और काफ़ी कैंपेन्स किए। एक कैंपेन किया उन्होंने हाउसिंग राइट कैंपेन, मतलब आवासीय अधिकार अभियान, सफल रहा ये। 1996 में फिर वो ब्रदर जोस वेटिकेटल से मिली। 1996 में जो जोस वेटिकेटल थे वो बॉयज़ टाउन के डायरेक्टर हुआ करते थे। बता देना चाहता हूँ कि बॉयज़ टाउन जो है वो कैथलिक इंस्टीट्यूट है, वो एक कैथलिक संस्था है, और इसका काम होता है कि जो युवा हैं उनको ये वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, अक्रॉस द ग्लोब उन्हें एक हैंडसम पैकेज वाली जॉब दिलवाते हैं। तो उनका ये काम इंडिया में भी चल रहा था, दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का विजन सेम ही था, क्योंकि उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था यूथ्स को इफेक्ट करना, यूथ्स को ट्रेन करना, ताकि आगे आने वाला जो देश है, जो हमारी नई जनरेशन है वो ट्रेंड हो, पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो, और जो देश को आगे ले जा सके। तो 1996 में क्या हुआ कि हैदराबाद में एक रेड लाइट एरिया था, महबूब की मेहंदी को उस टाइम पे खाली करवा दिया गया। तो वहाँ पे महबूब की मेहंदी का जो वो रेड लाइट एरिया था, तो उसके चंगुल से हज़ारों की संख्याओं में महिलाएं निकली। अब उनके पास कोई शेल्टर नहीं था और सोसाइटी में ऐसे लोग एक्सेप्टेबल होते भी नहीं है, तो वो बहुत बड़ा इशू था। तो इन्होंने क्या किया, उसी टाइम में प्रज्वला के शुरुआत की। प्रज्वला को ब्रदर जोस वेटिकेटल और डॉक्टर सुनीता कृष्ण ने स्टार्ट किया था। इन्होंने उन्हीं ब्रॉथल्स में, उसी बिल्डिंग्स में,
इन महिलाओं को रखा, वहीं पर एक ट्रांजिशन स्कूल चलाया, वहाँ पे ये इनको पढ़ाते थे, शिक्षित करते थे, इनको ट्रांसफॉर्म करते थे और सोसाइटी में एक एक्सेप्टेबल इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म करके उनको फिर पुनर्स्थापित करवाते थे। तो प्रज्वला का मेन काम यही रहा कि वो पुनर्स्थापन का, मतलब कि आदमी को उठाया, उसको ट्रेन किया, ट्रांसफॉर्म किया, उसको सोसाइटी में फिर से एक इज्जत भरी जिंदगी दिलवा दी। तो अब तक उन्होंने 12,000 से ऊपर महिलाओं को जो सेक्सुअली असॉल्ट हुई हैं या जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में गई हैं तो उनको ट्रांसफॉर्म करके सोसाइटी में स्टेबलाइज करवाने का काम किया इन्होंने। सोशल पॉलिसी की अगर इनकी बात करें तो 2003 में इन्होंने एक रिकमेंडेशन ड्राफ्ट किया था सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर पॉलिसी के लिए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हरी झंडी उसको दिखा दी गई थी। ये अचीवमेंट रही उनके लिए एक। और फिर केरला गवर्नमेंट ने एक निर्भया पॉलिसी शुरू की थी। निर्भया के रेप केस के बारे में आप सबने सुना होगा कि कितना लंबा चला और कितना कितना बवाल हुआ इस केस की वजह से और कितना विरोध जताया लोगों ने। और तो केरला गवर्नमेंट ने इन्हें एडवाइजर के तौर पर अपने यहाँ पर रखा निर्भया पॉलिसी के लिए। और फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद 4 अगस्त 2014 को इन्होंने एडवाइजरी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि जो गवर्नमेंट में पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पावर्स हैं उनमें विल पावर की कमी, जिसकी वजह से निर्भया पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। 2015 में गवर्नमेंट इन्हें रीइंड्यूस कर दी है और ऑनरी डायरेक्टर का पद देती है और बहुत सारे डिसीजन मेकिंग पावर देती है इनको। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट किए हैं, पॉलिसीज़ के लिए, लॉ के लिए। कोई इंसिडेंट या ऐसा कुछ कोई केस होता है तो उसके अगेंस्ट भी किया है। अब तक इन्होंने 14 से ऊपर फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है और उन्हें बनवाया है। और उनमें से कुछ फेमस फिल्म बताऊं मैं तो अनामिका करके है और एक है ना बंगारू टल्ली करके, और इसको नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। इनकी ज़्यादातर जो फिल्में रही हैं वो यूथ्स पे, HIV एड्स, सेक्स ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, इंसेस्ट, प्रोस्टिट्यूशन और कम्युनल राइट्स पे बेस्ड रहा है ज़्यादातर। तो मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा जो फोकस रहा है वो यूथ पर ही रहा है और जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उस पर रहा है। इन्होंने रिटर्न वर्क में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत जगह आर्टिकल्स लिखे हैं इन्होंने। और ये जर्नी कभी आसान नहीं रही उनके लिए, उनको थ्रू आउट इस पूरी जर्नी में बहुत बार जान से मारने की धमकी भी मिली, फिजिकल असॉल्ट्स की धमकी मिली, इनको टॉक्सिकेट भी किया गया, एक आध दो बार जहर देने का भी प्रयास किया गया, इनके ऊपर और अटैक्स हुए भी हैं, एसिड अटैक्स की धमकी मिली। तो काफ़ी स्ट्रगल किया है इन्होंने, बट जो इनका विजन था उस विजन को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, उस विजन को हमेशा आगे लेके चलती रही। मीडिया आउटरीच की अगर बात करें तो मीडिया आउटरीच इनका काफ़ी बढ़िया रहा है। इन्होंने काफ़ी जगह पर स्पीचेस दी हैं, काफ़ी सेमिनार्स किए हैं, टेडेक्स में स्पीकर रही हैं, सत्यमेव जयते पर भी ये जा चुकी हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी इन्होंने कई बार स्टूडेंट्स को एड्रेस किया है। थ्रू आउट इनकी जर्नी बहुत स्ट्रगल भरी रही है और काफ़ी मशक्कत के बाद ये प्रज्वला को इन्होंने जीवित रखा। स्टार्टिंग में प्रज्वला में इन्होंने अपने गहने भी बेच दिए थे, अपने घर के सामान जो थे वो भी काफ़ी कुछ बेच दिया था ताकि प्रज्वला चलता रहे उसकी फंडिंग के लिए। थ्रू आउट इनकी लाइफ में इन्हें 40 से ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, इंटरनेशनल और नेशनल भी। भारत में इन्हें पद्मश्री मिला है, मदर टेरेसा अवार्ड मिला है और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से पीपल ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। लास्ट में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि ऐसी इंस्टीट्यूट्स को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प ज़रूर करें। अगर आप फाइनेंशियली कर सकते हैं तो फाइनेंशियली करें, फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो फिजिकली आप वॉलंटियर कर सकते हैं इनको ज्वाइन करके। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को रेफर करके भी इनको हेल्प कर सकते हैं। हम एक सीरीज लेकर के आए हैं अनसंग हीरोज ऑफ द नेशन, और इसमें हम उन हीरोज की स्टोरी आपको बताएंगे जिन्होंने हमारे देश को वाकई में पॉजिटिव वे में अफेक्ट किया है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट किया है। हमारी जो डेली लाइफ की या जो हमसे सीधे कनेक्ट होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनमें सुधार करने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि हमारे जो यूथ हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो ऐसे लोगों को देख करके बड़े हों जहाँ से उनको एक मोटिवेशन मिले, एक एक लर्निंग मिल सके, लाइफ लेसन मिल सके, जहाँ पे एक स्ट्रांग विल पावर। थ्रू आउट इनकी स्टोरी पढ़ने के बाद और रिसर्च करने के बाद एक चीज़ समझ में आया कि इनके विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। ये अपने विजन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड और डेडिकेटेड रही हैं, डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि गिव अप कर देते हैं। मतलब स्ट्रगल्स भी बहुत आई पर इन्होंने मतलब अपने विजन को कंप्लीट करने के लिए
हर चीज़ का सामना किया। तो ये चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट देख करके सीख सकता है यहाँ से। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इसे बच्चों को ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाएं। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे हीरोज़ को अपना आइडियल माने, यहाँ से इंस्पिरेशंस लें और कुछ पॉजिटिव करें अपने देश के लिए। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आप आगे क्या देखना चाहेंगे। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।